एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां देहरादून में भारी बारिश के चलते माल देवता सहस्त्रधारा लिंक रोड कई मीटर तक नदी में समा गई है। वहीं दो गाड़ियों के भी इसमें बहने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से हो रही जमकर बारिश के कारण देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों के टूटने और धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही रायपुर विधायक उमेश शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। ये पूरा मामला कितने बजे का है और कब से हुआ? ये 2:30 बजे रात की कहानी है। ये रात को। और इतना जलस्तर आपने पहले देखा नदी में? नहीं, 1972 में आया था। 1972 में आया था। और कितने लोगों की, मतलब जैसे मैगी पॉइंट थे, आगे घर भी ध्वस्त हो चुके हैं, कितने लोगों को, मतलब ये तो अभी जानकारी नहीं है, पर रास्ता टूटा हुआ है, ब्लॉक टूटे हुए हैं, आगे जाने का रास्ता नहीं। जानकारी के मुताबिक सड़क का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। वहीं नदी यहां अपने उफान पर है, बरसात लगातार जारी है। ऐसे में यहां पर लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी जैसे जिलों के कुछ हिस्सों के लिए भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।